जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और वो तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हां सचमुच इस प्रकार का कोई सैनिक अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को लक्ष्य करने के। अब मेरा तो सवाल यह है कि डीजीएमओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए कहा किसने? वो कौन से पॉलिटिकल लोग थे जो चाह रहे थे कि डीजीएमओ घोषणा करें और उस घोषणा का राजनीतिक फायदा उठाया जाए? जब तक उस सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठते रहेंगे और जब तक भारत सरकार की तरफ से और 56 इंच के सीना की तरफ से कोई भी सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं दिया जाएगा, तब तक ऐसा लगेगा कि सचमुच सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ। सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तेरे बाप के पास क्या सबूत है कि तू उसका बेटा है? साला सबूत नहीं तो हर गुनेगार बेकसूर, सबूत नहीं तो हम नेता के कुत्ते। तूने मेरे को मारा है, मेरे पे हाथ उठाया, मिनिस्टर पे हाथ उठाया। इस बात का क्या सबूत है कि मैंने तुझ पर हाथ उठाया? ये लोग है ना, इन्होंने देखा, तुम लोगों ने देखा ना इसने क्या किया? क्या हुआ साहब? तुम लोगों ने देखा ना इसने मेरे को मारा? क्या मस्करी करते हैं साहब, सिंघम साहब तो अपने जगह पे खड़े हैं, उन्होंने आपको टच भी नहीं किया। तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे से मिले हुए हो तुम। ए, तेरा नाम बाजीराव होने से कुछ नहीं होता, तू क्या समझता है बाजीराव होने से तू क्या मराठा होगा क्या? लेकिन मैं तेरे को बताएगा कुर्सी का पावर क्या होता है, वो मैं बताएगा तुम लोग कुर्सी का पावर क्या होता है। बहुत कुर्सी कुर्सी करता है ना तू, इस बार तुझे ऐसी जगह मारेंगे कि जितनी बार कुर्सी पे बैठेगा हमें याद करेगा। मुझे वागाचे पंजे तुझे इच्छा गावा दिया रे। जय नरसिंह हम विशाल।